हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट से दुआए। और इस सीरीज में जहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि आखिर एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए वो कौन सी फाउंडेशनल वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, राइट। तो हमने अभी तक जाना कि हमने सारी फाउंडेशनल वैल्यूज को सिक्स कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सिक्स ग्रुप्स में। और अभी तक हम ये ग्रुप वन और ग्रुप टू की सारी जो वैल्यूज हैं इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो पुराने प्लेलिस्ट में जाके इन सारे वीडियोस को समझिए, जानिए इनके बारे में। और आज इस वीडियो में हम अपने ग्रुप थ्री के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ओके। और सबसे पहला इसमें जो वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, ओके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है, इसके क्या फायदे हैं और इस ऑब्जेक्टिविटी वैल्यूज को कैसे सीखा जा सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, ओके। तो चलते हैं इस वीडियो सीरीज में कि आखिर सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी होता क्या है, करेक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी। देखो, ऑब्जेक्टिविटी जनरली जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं। पहली चीज आती है कि कोई ऑब्जेक्टिव, ओके, ऑब्जेक्टिविटी। और इसका ही एक एंटोनिम आता है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिविटी। तो अगर इन दोनों में सही से अंतर हमको पता चल गया तो आधी बात तो वहीं पर खत्म हो जाएगी, करेक्ट। तो अगर हम बोला जाए कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ये एक शब्द से आई है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, करेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली वस्तु है, कोई भी वस्तु, करेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है उसको वस्तु बोलते हैं, करेक्ट। अब सब्जेक्टिविटी क्या है, सब्जेक्टिविटी तुम्हारे किससे आई है, सब्जेक्ट से, ओके। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट दो चीजों से मिलकर बना है, ये है वस्तु प्लस चेतना, करेक्ट। चेतना मतलब थॉट प्रोसेस, चेतना का क्या मतलब है। तो सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्ट किस, सब्जेक्ट का मतलब है कि कोई चीज है वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है पर उसके अंदर किस चेतना भी है। चेतना मतलब उसमें सोचने की ताकत है, ओके, उसमें सोचने की ताकत है, उसमें महसूस करने की ताकत है, कुछ भी महसूस करने की ताकत है, ओके। तो इन चीजों को, तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ओके। तो ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली क्या है, ये तथ्यों पर आधारित रहती है, ओके, फैक्ट्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर कोई बोले ये क्या है, ये बेसिकली एक पेन है, ओके, अब इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई इसमें डाउट है ही नहीं, ये पेन है, दिस इज अ फैक्ट, ओके। अब अगर कोई जैसे सूरज कहां से निकलता है, सूरज, सो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, अब ये फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डिस्कशन या डिबेट नहीं कर सकता है, करेक्ट। तो वो क्या एक ऑब्जेक्टिव चीज है। सब्जेक्टिविटी में क्या हो सकता है, सब्जेक्टिविटी में ये तुम्हारी कोई राय हो सकती है, करेक्ट, तुम्हारा कोई तुम्हारा थॉट प्रोसेस हो सकता है, तुम्हारी कोई विश्वास हो सकता है, ओके, तुम्हारी कोई एटीट्यूड हो सकता है, ओके, तुम्हारी कोई रुचि हो सकती है, तो ये सब चीजें क्या है ना, ये किसी व्यक्ति विशेष के प्रति होंगी, ओके। अब तुम्हारी राय है, अब हो सकता है कि जो तुम्हारी राय है वो सबकी राय ना हो, ओके, क्योंकि वो राय किसी कारण बस तुम्हारे अंदर बन गई है, जो जिस चीज पर तुम विश्वास कर सकते हो, करते हो, हो सकता है कि वो विश्वास तुम्हारे किसी कारण से बना हो, सबको विश्वास उस पर ना हो। तो सब्जेक्टिविटी में क्या है, एक वस्तु के साथ साथ एक चेतना काम करती है और जो हर इंडिविजुअल में अलग अलग रहती है, करेक्ट। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली फैक्ट्स पर डिपेंड करती है, ओके। अब अगर मैं इसको एक सिंपल, तो यहां पर हमको पता चल गया कि ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्ट से आई है, सब्जेक्टिविटी सब्जेक्ट से आई है, करेक्ट। अब ये थोड़ा सा क्लियर होने के बाद अब अगर हम बात करें कि आखिर ऑब्जेक्टिविटी, मैं इसको क्लियर करता हूं कि आखिर ऑब्जेक्टिविटी अगर किसी के अंदर हो तो क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीजें नहीं होती हैं, करेक्ट। तो अब इसको जो अभी तक मैंने डिस्कस किया उसको आधे मिनट में अपन समराइज करते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली कहाँ आती है, कोई भी या तो तुम डिसीजन ले रहे हो, ओके, या कोई थॉट प्रोसेस कर रहे हो, कोई थिंकिंग कर रहे हो, करेक्ट।
तो या तो कोई निर्णय ले रहे हो या फिर कोई चिंतन की प्रक्रिया कर रहे हो, चिंतन प्रोसेस में है। तो दो चीजें हैं, कुछ चीजों को तो करना नहीं चाहिए और कुछ चीजों को करना चाहिए। कौन सी चीजों को यू शुड नॉट डू व्हेन एवर यू आर डूइंग, तो तुम्हारे अंदर ऑब्जेक्टिविटी है ये दो चीजों से डिसाइड होती है। पहली चीज क्या है जो कि हमको नहीं करनी है, पहली चीज है कि जब भी कोई डिसीजन या थिंकिंग प्रोसेस कर रहे हो तो अपने मूल्यों को, करेक्ट, मूल्यों हो गए, हित हो गए, तुम्हारे इंटरेस्ट हो गए, करेक्ट, कोई भी तुम्हारा ऑलरेडी बना हुआ एटीट्यूड हो, करेक्ट, एटीट्यूड हो, कोई भी तुम्हारा विश्वास हो, कोई भी तुम्हारी रुचि हो, करेक्ट, इन सबसे तटस्थ रहना, करेक्ट, इन सबसे तटस्थ रहना। तटस्थ रहना मतलब इनको बीच में लेके नहीं आना है। जब भी कोई डिसीजन या थिंकिंग प्रोसेस कर रहे हो तो अपना कोई इंटरेस्ट, अपना एटीट्यूड, अपना विश्वास, अपनी रुचि, अपने हित, अपने कोई भी मूल्य, इनको बीच में नहीं लाना, करेक्ट। और दूसरी चीज जो कि तुमको करना है वो किस पे, प्रमाणों को, प्रमाणों को या तथ्यों को आधार बनाना, तथ्यों को आधार बनाना। तो अगर ये दो काम कर रहे हो, करेक्ट, तो हम बोलेंगे कि ये पर्सन ऑब्जेक्टिव है या इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी इज बेसिकली वो वैल्यू सिस्टम है जो कि हम अपनाते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में या थिंकिंग प्रोसेस में, करेक्ट। तो उसमें हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं, करेक्ट। पहली चीज कि हम अपने मूल्यों, हितों, एटीट्यूड, विश्वास और रुचि से तटस्थ रहती हैं, उसको बीच में नहीं लाती हैं कभी भी, ओके। दूसरी चीज हम हमेशा प्रमाणों या तथ्यों को आधार बना के ही हम वो डिसीजन या थिंकिंग प्रोसेस करती हैं। अगर ये दो काम तुम सही से कर रहे हो तो दैट मीन्स तुम्हारे अंदर ऑब्जेक्टिविटी का मूल्य है, ओके। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो उसकी एक जरूरत है जो कि तुमको डेवलप करना चाहिए। तो ये तो अपन को पता चला कि आखिर ऑब्जेक्टिविटी क्या है और किस क्या काम करने से हम कहलाएंगे कि हम ऑब्जेक्टिव हैं, करेक्ट। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूं कि इसके बारे में बहुत सारे जो फिलोसोफर्स हैं हमारे, कौन कौन से फिलोसोफर्स हैं जिनने इसके बारे में बहुत रिसर्च की है कि आखिर ऑब्जेक्टिविटी होता क्या है। और सबसे पहला जिसमें आता है उसको बोलते हैं सुकरात, करेक्ट, सुकरात। सुकरात ने जो ऑब्जेक्टिविटी थी, करेक्ट, वो मतलब काबिले तारीफ है। वो इतना शानदार व्यक्ति था ना, मतलब बिल्कुल शांत स्वभाव का, और कोई भी मनुष्य, ओके, कोई भी उसके आसपास आए और उससे बोले कि देखो ऐसा हुआ है, तो वो केवल तर्कों तर्कों से ही, करे, उसको बिल्कुल नीचे ले आता था। जैसे उसका एक बहुत ही फेवरेट चीज है कि एक बार एक मनुष्य ने, एक आदमी था, वो आदमी कहीं से क्या है, किसी को पीट पाट के कहीं से आ गया, ओके, किसी को उसने मारा, कहीं पर बहुत सारे लोग थे, उसने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। और आके बोलता है सुकरात, वहां से जा रहा था, सुकरात का घर था, तो उसने बोला कि अरे सुकरात जी, आज तो बिल्कुल मजा आ गया, कि क्यों, क्या हुआ, कि अरे वहां पर ऐसे मॉब लिंचिंग टाइप से हो रही थी, मतलब बहुत सारे लोग थे, मैंने भी पीट दिया उसको और बड़ा अच्छा फील हो रहा है। कि अच्छा, बड़ा अच्छा फील, आओ बैठो बैठो बात करती। तो इसका मतलब अगर कहीं पर भी मॉब लिंचिंग होगी तो तुम्हें अच्छा फील होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब मॉब लिंचिंग, तो जो वहां पर जो भीड़ थी वो बेसिकली न्याय, जो न्यायपालिका है उससे ऊपर है इसका मतलब। तो ये आदमी थोड़ा डर गया कि नहीं, मैं जा रहा हूँ शुक्रा जी। अरे बैठो बैठो बैठो, चाय वाय पियो, आओ। फिर उसने उसको अपने लॉजिक में लिया कि अच्छा ये बताओ कि अगर किसी मॉब का अगर ये थॉट प्रोसेस हो जाए कि ये बंदा गलत है, करे, तो उसको पीट देना चाहिए, करे, और वो चीज सही है, न्याय से भी ऊपर है, मतलब हमको उसको पुलिस के पास या कोर्ट में ले जाने नहीं चाहिए। इसका मतलब ये थॉट प्रोसेस कोर्ट से ऊपर हो गया, तो अब वो थोड़ा शक पकास आ गया। तो उसने कहा चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब ऐसा हो कि मान के चलो तुम कहीं से जा रहे हो और वहां पर कुछ लोग हैं, उनको उनको ऐसा लगने लगा कि ये आदमी चोरी करके जा रहा है और वो तुमको पीट दे, अरे बल्कि तुम चोरी करके नहीं जा रहे हो, तो उन्होंने जो किया क्या वो अच्छा है,
अब वो आदमी चकपका गया कि नहीं नहीं साहब, गलती हो गई, गलती हो, आगे से नहीं करूंगा। करे तो सुकरात एक ऐसा व्यक्ति था करे जिसको पढ़ने से जो तुम्हारी तर्क करने की पद्धति है ना, वो बिल्कुल मजा आ जाता है उसको। ओके, तर्क पद्धति। तो इस सुकरात ने ना तर्क पद्धति पर बहुत ही, मतलब इसमें उसने बोला है कि संवाद करने से ना, संवाद करने से बहुत सारी चीजें सुलझ जाती हैं अगर तुम ऑब्जेक्टिव हो तो। तो जो लोग जिनके पास तर्क है ही नहीं, प्रमाण है ही नहीं, जो ऑब्जेक्टिव तरीके से बात कर नहीं सकते हैं, वो क्या दिखाती हैं? एग्रेशन दिखाती हैं, गुस्सा दिखाती हैं। क्योंकि जिन मनुष्यों के पास वो तर्क करने की और संवाद करने के सफिशियंट प्रमाण हैं, प्रूफ हैं, तो एग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं करें। अब दूसरा अगर हम बात करें, इसमें और भी हैं, एक है डेकार्ट। ओके, डेकार्ट, इसका मानना था कि हर चीज पर संदेह करो, करें, और इतना संदेह करो, संदेह करके तुम उसके कोर तक पहुंच जाओगे कि आखिर उसमें क्या चीज काम कर रही है। करें तो हर चीज पर संदेह, हर चीज पर संदेह। और एक और विचारक है जिसका नाम है बेकन। करें, देखो ये दोनों थे ना, ये बेसिकली थॉट प्रोसेस पर बात करते थे, तर्क पर बात करते थे। करें, लेकिन बेकन था ना, वो बेसिकली क्या है, रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन से बात करता था। एक्सपेरिमेंटेशन, देखो ये लोग है ना, ये रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते हैं, ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशन और उनके बेसिस पर जो कंक्लूजन आ रहा है उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। इनका मेन थॉट प्रोसेस रहता है कि सोचने की तरकीब, तर्क तर्क जो लॉजिक है उसके बेसिस पर आपस में बात करते हैं। जबकि ये बेकन था, उसने क्या बोला कि अगर ऑब्जेक्टिविटी लानी है ना, तो क्या करो, तथ्यों पर बात करो और वो तथ्य कलेक्ट करो। ओके, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन लो, रिसर्च करो, उसके बेसिस पर जो आ रहे हैं करेक्ट उसके बारे में बात करो। और फिर बाद में इन तीनों के पापा पैदा हुए 20th सेंचुरी में, और जिनका नाम था एडमंड हुसेल। बहुत ही शानदार आदमी था। और इसने, एडमंड हुसेल ने क्या बोला कि इसने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं ब्रैकेटिंग। ओके, ब्रैकेटिंग, जो हम ब्रैकेट लगाते हैं ना मैथ में, ब्रैकेटिंग। तो उसका सिंपल कॉन्सेप्ट था कि देखो, कोई किसी भी चीज को एनालाइज कर रहे हो ना, तो क्या करो, उसकी चीर फाड़ कर दो, करेक्ट, और हर चीज को अलग अलग तरीके से एनालाइज करो। और जिस चीज जो अभी बची है जहां, जिसको अगर तुमने अच्छे से चीर फाड़ नहीं किया, उसको ब्रैकेट में रखो कि अभी चीर फाड़ करनी बाकी है। तो ये जो फिलोसोफर थे जिन्होंने की ऑब्जेक्टिविटी पर बहुत ज्यादा रिसर्च करके वो कि हमको बताया कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिविटी डेवलप कर सकते हैं। करेक्ट, तो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ओके, तो अच्छा, धन्यवाद, यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।